देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। दर्शकों, केंद्र की बीजेपी सरकार ने सभी बातों को इग्नोर करने का फैसला कर लिया है। बीजेपी ने बता दिया है कि उनके लिए उनको वोट करने वाली जनता बड़ी है या फिर उनकी पार्टी की सांसद। दोस्तों, 17 जून को बीजेपी सांसद मेनका गांधी और वेटनरी डॉक्टर विकास शर्मा के बीच लंबी चौड़ी बातचीत हुई। इस पूरी बातचीत में गालियां थी जो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जो अहंकार था वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जो प्रिविलेज का नशा सर चढ़कर बोल रहा था वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं माननीय सांसद जी, देश की जनता आपको देख रही है, आप हमारे वेटनरी डॉक्टर्स से माफी मांग लीजिए, नहीं तो रोज रात भारत एट नाइन के इस कार्यक्रम में मैं आपका ऑडियो प्ले करूं और करता रहूंगा। मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक आप माफी नहीं मांग लेते। इसके साथ ही दर्शकों, 11 दिन हो चुके हैं पूरी बात को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वेटनरी डॉक्टर्स हैं जो पूरे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन कितना शर्मनाक है कि अभी तक मेनका गांधी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ऐसा लगता है कि उनके लिए यह सब कितना नॉर्मल है, कितना साधारण है। लेकिन वो सांसद हैं, ये उनको पता होना चाहिए। उनकी पूरी ऑडियो क्लिप को सुनिएगा। उनकी पूरी ऑडियो में गाली के अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो कहता है कि वो सूट नहीं करती सांसद की सीट पर, वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। दर्शकों, इससे पहले कभी मेनका गांधी मुस्लिमों को धमकाती देखी गई थी कि हमको वोट नहीं दिया तो मन खट्टा हो जाता है, पोलिंग बूथ से पता हो लग ही जाएगा। और इसके बाद आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि माननीय सांसद मेनका गांधी जी ने यह भी कहा था कि मैरिटल रेप को रेप ना माना जाए। मतलब एक लड़की को अगर कोई डार्लिंग कह देता है, कोई उसको बेबी कह देता है, तो उस पर मुकदमा कराया जा सकता है। लेकिन वो जब रात को घर आती है और उसका पति उसकी कंसेंट के बिना उसके साथ फिजिकल होता है तो वो रेप नहीं माना जाएगा। हाउ रिडिकुलस इज दिस। पूरा मैटर क्या है उसकी रिपोर्ट देखेगा, लेकिन उससे पहले गंगाजल 2 फिल्म का वो सीन याद आता है जहां विधायक का रोल प्ले कर रहा वो एक्टर मानव कौल अपने वोटर्स को ही धमकाता है, मारता है, पीटता है। लेकिन जैसे ही ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तो सिनेमा तक लिमिटेड, सुल्तानपुर की सांसद कहती हैं नहीं। और हां, अगर सच में मेनका गांधी जी को पशु प्रेम इतना ही ज्यादा होता तो वो पशुपालन विभाग में खाली पड़े पदों व पशु अस्पताल के विस्तार की मांग करती, संसद में इस बात को उठाती रखती, ना कि किसी वेटनरी डॉक्टर को जलील करती या उसे गाली देती। ऐसे में आज रात मेरे सिर्फ 5 सवाल। पहला, मेनका गांधी जी, आपको किसने लाइसेंस दिया कि आप किसी को फोन कॉल करके ये कहें कि आपके पिता माली हैं, चपरासी हैं, तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप पढ़े लिखे नहीं हो सकते। नंबर 2, दर्शकों, सबसे बड़ा कार्ड, सिर्फ एक कार्ड जिसकी वजह से इन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया, वो है सत्ता कार्ड। और ये कार्ड मिलता है वोटर्स की वजह से। मतलब आपने कार्ड दिलाया और आज आपको ही गाली दी गई। नंबर 3, मेनका गांधी जी, आप कानून से ऊपर नहीं, एंड यू आर नॉट अबव क्वेश्चनिंग, रिमेंबर दिस। नंबर 4, मैं इस स्टोरी को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आप माफी नहीं मांग लेते। आपको रिटन में वेटनरी डॉक्टर्स से माफी मांगनी पड़ेगी और चाहिए। आप बस यूं ही नहीं किसी को गाली देकर उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाकर भूल नहीं सकती। मैं भूलने नहीं दूंगा, एंड आई प्रॉमिस यू दिस मैम। नंबर 5, मैं आज आपको बुरा लग सकता हूं सांसद जी, क्योंकि मुझको पता है आपके आसपास जितने भी पत्रकार घूमते हैं ना, सब मीठी मीठी मिशी मिशी बातें करते हैं। लेकिन मेनका जी, मैं आपसे सवाल करूंगा और जवाब भी लेकर रहूंगा। असली मीडिया की सर्विस में काम करता हूं और असली मीडिया किसी नेता की सर्विस के लिए नहीं बना है, वो आपसे सवाल पूछने के लिए बना है, सवाल पूछने के लिए काम करता है। मेनका जी, जब स्टोरी पर रिटन एपोलॉजी मिल जाएगी तभी मैं किसी दूसरी स्टोरी को हाथ लगाऊंगा। बाकी मेनका जी किस तरह से अब अपनी खुद की पार्टी में ही घिरने लगी हैं, किस तरह से उनकी पार्टी के नेता ही उन पर क्या कुछ बोल रहे हैं और स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पूरी कहानी क्या रही, आप देख लीजिएगा इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट प्ले करिए। किससे बात?
जब आपको वेटनरी सब्जेक्ट ही नहीं मालूम तो इंग्लिश पर क्यों जा रहे हो भाई? अहंकार से भरी ये आवाज सत्ताधारी पार्टी की सांसद मेनका गांधी की है। मेनका गांधी और डॉक्टर के बीच हुई बातचीत के हिस्सों को वीप करना पड़ रहा है। यह अफसोसजनक है क्योंकि सांसद मेनका गांधी ने डॉक्टर से बातचीत के दौरान जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो एक अच्छे समाज में कहीं ठहर नहीं सकते। और ये उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि इन शब्दों का इस्तेमाल एक सांसद के द्वारा किया गया है। जो शब्द सांसद जी ने वार्तालाप के दौरान चुने हैं उन्हें सभ्य समाज में गालियां कहा जाता है और मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने के बाद भी इस तरह का व्यवहार निंदनीय है। यह व्यवहार दिखाता है कि हमारे जनप्रतिनिधि अपने अधिकारों का किस तरह गलत इस्तेमाल करते हैं। यह पूरा ऑडियो 21 जून का है जिसे हमने पहले भी दिखाया था। पूरा मामला समझने के लिए इस ऑडियो का शुरुआती हिस्सा सुन लीजिए। इतने घटिया डॉक्टर हो कि नहीं, नहीं, तुम्हारी और फिर अगली दवा भी तुमने 4,000 रुपए मांगे। नहीं मैम, उसके बाद मैंने जो मैंने उन्हें सारे हमारे पास सबूत है, बखे जा रहे हो। नहीं नहीं, मेरी बात कोई शरीफ डॉक्टर होता तो बोल देते कि हाँ गलती हो गई। कोई अब आप बताइए आगे क्या करना है। अब देखिए मैम, आप जनरली कहेंगे, अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं है, मैंने उन्हें उसमें एलिजाबेथ कॉलर भी दिया हुआ था, इंजेक्टेबल भी उन्हें दिए हुए थे, मैंने सब कुछ दिया हुआ। एलिजाबेथ कॉलर नहीं होता, एलिजाबेथन कॉलर होता है। आपको तो प्रोनाउंस करना भी नहीं आता। ई कॉलर मैं मैडम, मैं यूपी बोर्ड कॉलर नहीं, मैं मैडम मैडम मैं यूपी बोर्ड का हूँ कि आपने उस कुत्ते को मरवा दिया। नहीं मैं यूपी बोर्ड का हूँ मैम, तो जनरली क्या है कि मेरा तो इंग्लिश है इस तरह का क्योंकि मैं यूपी बोर्ड का हूँ, मैं सीबीएसई बोर्ड का, मैं यूपी बोर्ड का हूँ। इंग्लिश पर जी, जब आपको वेटनरी सब्जेक्ट ही नहीं मालूम तो इंग्लिश पर क्यों जा रहे हो भाई? नहीं मैं तुमसे शादी करने के लिए तो फोन नहीं किया। नहीं मैं तो ई कॉलर कह रहा हूँ मैम, ई कॉलर है मैं कह रही हूँ। तुमने ई कॉलर डाला या डी कॉलर डाला? सवाल ये है कि वो स्टिचेस खुल गए एक नहीं दो दफा, और दोनों दफा तुमने पैसे लिए। मैंने मैडम आदमी की दोबारा भी करते हुए तुमने 4,000 रुपए मांगे। नहीं मैडम, मैंने यहाँ तक कि उन्होंने 2,000 रुपए केवल पे किए थे, मैंने उसमें से सामान दिया था पूरा, ई कॉलर दिया था मैंने, इसके अलावा इंजेक्टेबल दिया था मैंने। दफा भी तुमने पैसे मांगे, पहली दफा भी तुमने 2,000 रुपए लिया, अगली दफा भी तुमने 4,000 रुपए लिए और तुमने बर्बाद किया उस कुत्ते को। नाउ आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन मैडम, सुन लो, मैं क्रिमिनल केस तुम्हारे खिलाफ खुद फाइल कर रही हूँ, मैं वेटनरी काउंसिल खुद तुम्हारे खिलाफ जा रही हूँ और अभी मैं डॉक्टर उमेश शर्मा से बात करके तुम्हारे ऊपर एग्जेम्पलरी एक्शन ले रही हूँ। मैं कलेक्टर से बात करके अभी तुम्हारी क्लिनिक पर ताला लगाने वाली हूँ। तुम्हारे पास चॉइस ये है कि जो अभी तक 70,000 रुपए लगे हैं उसके वेरियस ऑपरेशन में, वो सब का सब पैसा आप उनको देंगे। अब आप इस पर हाँ या ना बोलते हैं? मैं बात करता हूँ। किससे बात? मैं अभी अभी कलेक्टर से बात करने वाली हूँ 5 मिनट में। मैडम मुझे मौका हाँ या ना, तुम वेट चार आने के 2 टके के लोग, ऑपरेशन करना नहीं आता, चीप चीप इस्तेमाल करते हो हर चीज, पैसे लेते हो हजारों में। ऑडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी सांसद मेनका गांधी पर पाटन विधानसभा से विधायक अजय विश्नोई भड़क गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि विगत दिवस सांसद श्रीमती मेनका गांधी ने पशु चिकित्सक डॉक्टर विकास शर्मा से जिन शब्दों में बात की उससे वेटनरी कॉलेज जबलपुर घटिया सिद्ध नहीं हो जाता, परंतु ये जरूर सिद्ध हो जाता है कि मेनका गांधी निहायत ही घटिया महिला है। मैं शर्मिंदा हूँ कि ये मेरी पार्टी की सांसद है। तो बीते बुधवार को देश भर के वेटनरी डॉक्टर्स ने ब्लैक डे भी मनाया था। उन्होंने इस दौरान यूपी के सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका गांधी का विरोध किया था। तो सोशल मीडिया पर वायरल हुए मेनका गांधी और डॉक्टर के इस कॉल रिकॉर्डिंग के बाद से माहौल गर्म है। वेटनरी डॉक्टर्स जहां मेनका गांधी का लगातार विरोध कर रहे हैं, तो वहीं भारत एट नाइन में आज हम मांग करते हैं कि मेनका गांधी को माफी मांगनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। अब मेरा सिर्फ एक सवाल, सिर्फ एक, कि कब तक ये वीवीआईपी रेसिज्म इंडिया में चलता रहेगा? ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है कि एक सांसद ने एक डॉक्टर को फोन पर भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, ये उससे भी बड़ा इशू है। क्योंकि दर्शकों, सिर्फ भारत में एक जिले का डीएम मामूली सी बात पर एक व्यक्ति का फोन तोड़ देता है, उसे सरेआम पीट देता है, होता है सिर्फ ट्रांसफर। एक डीएम सरेआम एक शादी में घुसकर दूल्हे को पीटता है, पंडित को मारता है, होता है सिर्फ ट्रांसफर।
एक विधायक का बेटा सरेआम पुलिस वालों से भिड़ जाता है, कहता है वो मास्क नहीं लगाएगा और सांसद विधायक नेता मंत्री संतरी इसको ही अपना तंत्र समझते हैं। उनको लगता है कि अब सब कुछ उनके नियंत्रण में है क्योंकि वो कुछ भी करके बच जाते हैं। लेकिन सवाल कब तक देश में ये सब नाटक चलता रहेगा? ये सही वक्त है स्टैंड लेने का और मैं वादा करता हूं अपने वेटरनरी डॉक्टर्स से, अपने साथी वेटरनरी डॉक्टर्स से कि मेनका गांधी जी को मैं यूं ही इस घटना को भूलने नहीं दूंगा। उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी क्योंकि ये सरकारी गुंडे ही नहीं है तो और क्या। कल एक बार फिर भारत@9 में आपसे मुलाकात होगी, तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।